2 बजे पेपर हाथ में आना, लिखना चालू करने का। सर क्या लिखना चालू कर? अरे कुछ भी लिखना चालू करना, जो लिखना है सर लिखना। अरे माँ कसम, क्वेश्चन वन, ओके व्हाई डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन? सुनो 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 सुनो, अरे पहले सुनो बाद में मार, अरे पहले सुनो रे, शांत रहो शांत रहो, साला कॉन्फिडेंस निकल जाएगा, रुको रे। तो क्वेश्चन चालू करने का, व्हाई डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन? डू यू नो द आंसर? ओके यू आर चेकिंग फ्रॉम नोट्स एंड आई एम नॉट हैविंग नोट्स, सो हाउ कैन आई राइट द आंसर? लिखना, अरे माँ कसम जो लिखना है वो लिखना है, उसके बाद बोलना साला माँ कसम, आई विल प्रे दैट यूर सन और डॉटर विल बी गिविंग एन एग्जाम, ही ऑल्सो डोंट नो द आंसर। आई प्रे इफ यू डोंट वॉन्ट टू बी दिस सिनेरियो नाउ, प्लीज गिव मी होल मार्क्स। लिखना सर, सर माँ कसम सर ऐसा लिखे क्या? अरे लिखना, नेगेटिव मार्किंग है क्या? अरे माँ तेरे मेरे को बताना, 0 मिला या 18 मिला कुछ फर्क पड़ रहा क्या? कौन सा क्या फर्क पड़ रहा? अरे 2-4 दिन को लेके डूबना अपने को, बस खत्म, फिर लिखना चालू कर, ऐसा 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 लिख। ओके और पीछे नीचे लिख दे, ओके मालूम है ना इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वर्ड होता है, ओके नीचे लिख दे प्लीज गिव डिक्रिप्ट फॉर द आंसर। मैंने आंसर लिखा है, ये भी फॉर्मेट नहीं समझ में आया तो कुछ तो लिख, ऐसा ऐसा लिख और उसको है ना ऐसा कर, ओके ये वाला सिनेरियो आ गया ऐसा रख दे और उसमें आंसर लिख दे और नीचे लिख ले स्क्रैच एंड विन द आंसर। ये दौड़ता एग्जामिनर भी भारी लिखे, एग्जामिनर ऐसा 0 करेगा और इसको ऐसा करेगा, ऐसा बोले आई स्क्रैच फॉर दिस मार्क्स, ऐसा ऐसा लिखते जाने का रे, ऐसा कॉन्फिडेंस से लिखते जाने का, पेपर पेपर लिखने का, ऐसा जैसे घड़ी में देखने का, ढाई बजा हाथ पर करने का सप्लीमेंट। ऐसा पूरा क्लासरूम तेरे को देखेगा और तू कॉन्फिडेंस है सप्लीमेंट या सब क्लासरूम में, अरे माँ कसम साला आधा घंटा हुआ नहीं सप्लीमेंट मंगाया, क्या मजाक कर रहा है ये? तू एकदम कॉन्फिडेंट और नया सप्लीमेंट, यस सप्लीमेंट, तू सप्लीमेंट लेगा वापस लिखना चालू करने का, लिखना अरे माँ कसम, आई विल डू व्हाट आई वांट, यू डू व्हाट यू वांट, आई विल डू, दिस इज माय लाइफ माय स्टाइल, आई हैव वॉट दिस, ओके माय लाइफ माय स्टाइल, ओके आई एम हैविंग ए फियर इन माय लाइफ दैट यू आर बिगेस्ट फियर, बट यू आर बिग फियर, आई डोंट नो विच फियर बट दैट इज योर फियर। लिखते जा और 15-20 मिनट हुआ हाथ ऊपर का सप्लीमेंट, कम से कम 10-15 जन की लग गई, 10-15 जन में तो वैसे कॉन्फिडेंस हो गया। और तेरे को देख समझ आ, प्रैक्टिकल समझो, जो मैंने तेरे को बताया 200 जन का क्लासरूम रहा ना, ओके उधर मतलब जो भी 200 जन या 100 जन बैठे होंगे ना, ओके 100 जन में से कुछ फेल होने चाहिए अपन पास होते, प्रैक्टिकली देखो पास फेल का कॉन्सेप्ट वैसा होता, बस सिनेरियो जैसे ही तूने देखा क्लासरूम आधा ऐसे कॉन्फिडेंस हिल चुका है, बस खत्म, पेपर देके निकल जाने का, सबको बोलेगा मार्क ले 1 घंटे में सॉल्व किया, तो क्या फर्क पड़ रहा, वैसे भी 0 आए 18 आए कुछ मार्क, मैं वापस बोल रहा हूँ दिस इज ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पज ओनली, ओके इससे मतलब ये क्या बोलते इसको वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये वास्तविक जीवन में करना मतलब टाइम पास, ओके ये खाली टाइम पास के लिए पॉइंट था लेकिन डेफिनेटली बहुत तोड़ पॉइंट था।